Hello class 5, today we discuss about protective gear. Chapter 1, page number 1. हम लोग अपने अपने को रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका अपनाते हैं. हमारे इंसान भी कुछ ना कुछ तरीके अपनाते हैं. कोई हमको मारने आते हैं तो हम हाथ से अपने बचाव करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. लेकिन सब एनिमल्स तो ऐसे नहीं हैं, वो अपने अपने विचारों से, अपने अपने प्रोटेक्टिव गियर से अपने अपने को प्रोटेक्ट करते हैं. सारे लिविंग थिंग्स अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं नेचुरल वेज में. आज हम लोग कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि अपने आप को नेचुरल तरीके से प्रोटेक्शन करते हैं. जैसे कि फर्स्ट है, नंबर वन में एक एनिमल है पॉर्कुपाइन. नंबर वन में कौन सा एनिमल देखो दिखाई दे रहा है? पॉर्कुपाइन. पॉर्कुपाइन तो जानते ही हो, इसके कांटे होते हैं, जंगल में रहते हैं. तो ये अपने आप को कैसे अपने आप को प्रोटेक्शन देगा बताओ जरा, नेचर बाय नेचर. तो इसके में कांटे भरे होते हैं, क्विल्स है इसके पूरे बॉडी में. क्या है? क्विल्स. ये क्विल्स के द्वारा, क्विल्स के साथ वह अपने आप को प्रोटेक्शन देते हैं पूरे सारे एनिमल्स. कोई भी एनिमल्स उसके तरफ आए, कोई भी इंसान, कोई भी एनिमल उसको मारने आए या कुछ पकड़ने आए, तो उसको वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट देते हैं? क्विल्स से. अब नंबर टू में हम लोग एक पिक्चर देखेंगे, एक स्नेल की. कौन सी पिक्चर है ये? स्नेल. तो स्नेल में हम लोग देखते हैं, देखो स्नेल एक थोड़ा सा मुंह बना के, मुंह निकाल के और चलते हैं धीरे धीरे. देखे ही होंगे आप लोग स्नेल, तो धीरे धीरे चलते हैं. तो ये स्नेल के जो ऊपर है बॉडी है, एक कड़क सा एक शेल से पूरा बॉडी कवर है. तो ये जब अपने डर जाते हैं या कोई एनिमी उसके तरफ आते हैं, तो स्नेल क्या करते हैं? उस कड़क शेल के अंदर अपने आप को छुपा लेते हैं और कोई समझ ही नहीं पाता है कि ये क्या है, ये क्या नहीं है. तो चुपचाप अपने वो पड़े रहते हैं. तो स्नेल अपने आप को कैसे प्रोटेक्शन करते हैं? शेल्स. स्नेल अपने आप को कैसे प्रोटेक्शन देते हैं? शेल्स. अब क्वेश्चन नंबर 3 में एक पिक्चर है ऑक्टोपस. ऑक्टोपस कहाँ रहते हैं? ऑक्टोपस रहते हैं ओशन में. ऑक्टोपस कहाँ रहते हैं? ओशन में. तो ये देखो, ये इस तरह के ऑक्टोपस देखने में, तो वो अपने आप को कैसे इमेजिन, जस्ट इमेजिन, ये अपने आप को कैसे प्रोटेक्शन देगा एनिमीज से? तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ा इंक होते हैं, तो वो अपने इंक को स्क्वर्ट कर देते हैं, अपने इंक को उगल देते हैं, स्क्वर्ट करके छिड़का देते हैं, स्क्वर्ट करके उस इंक को एनिमीज के ऊपर छिड़का देते हैं. तो क्या होता है, वो डर जाते हैं सामने एनिमीज, तो डर के मारे एनिमल भाग जाते हैं, कोई भी इसको पकड़ने आए या कुछ भी. तो ऑक्टोपस के नेचुरल प्रोटेक्शन गियर क्या है? स्क्विटिंग इंक. ऑक्टोपस के नेचुरल प्रोटेक्टिव गियर क्या है? स्क्विटिंग इंक. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पिक्चर है नंबर 4, रैट. ये किसके पिक्चर है? रैट. रैट तो सबके घरों में रहते हैं, ये तो पता ही है. तो रैट को अगर पकड़ने जाओ, वो कैसे करेगा? पकड़ने देगा? नहीं पकड़ने देगा. वो अपने आपको बचाव करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, छुड़ाने के लिए क्या करेंगे? अपनी टीथ को यूज़ करेंगे. तो टीथ से उसको बाइट कर देते हैं ताकि एनिमल्स डर जाते हैं. तो रैट किससे अपने आप को प्रोटेक्शन देते हैं? टीथ. रैट किससे अपने आप को प्रोटेक्शन देते हैं? टीथ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, लामा. ये एक जानवर है जो कि माउंटेन एरिया में रहते हैं, ठंडे एरिया में, माउंटेन रेंज के अंदर रहते हैं. लामा इसके सारे उसमें बॉडी में रुएं भरे पड़े हो रहते हैं. तो इसको तो सब पकड़ने जाते हैं, देखने में प्यारे से होते ही है. आप लोग गूगल में पिक्चर इसका देख लेना, लामा के, बहुत क्यूट एक एनिमल है. तो लामा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? स्पिट कर देते हैं. क्या करते हैं? स्पिट करते, मतलब थूक देते हैं. तो वो डर के मारे एनिमल डर जाता है और वो भाग जाता है. तो ये है लामा. लामा अपने आप के प्रोटेक्शन गियर के नेम क्या है? स्पिट. अब नेक्स्ट है नंबर 6, एक स्कॉर्पियन. स्कॉर्पियन की पिक्चर है. स्कॉर्पियन तो आप लोग जानते ही हो, स्कॉर्पियन क्या है? एक बहुत पॉइजनस
डेंजरस एक एनिमल है जो कि डंक मारते ही, इसके पीछे देखो डंक है, अगर डंक मारते ही उसके पूरे बदन में जहर फैल जाते हैं। तो स्कॉर्पियन के प्रोटेक्शन गियर कौन सा है? पॉइजनस स्टिंग। ये जो पॉइजनस स्टिंग देख रहे हो, ये पॉइजनस स्टिंग इसके प्रोटेक्शन गियर। तो स्कॉर्पियन किससे अपने आप को प्रोटेक्शन करते हैं? पॉइजनस स्टिंग। नंबर 7 है वल्चर ईगल। वल्चर अपने आप को कैसे प्रोटेक्शन करते हैं? बीक एंड टैलोन, अपने बीक से, कड़क बीक से और टैलोन से अपने आप को प्रोटेक्शन करते हैं। कौन? वल्चर। वल्चर और ईगल के प्रोटेक्शन गियर क्या है? बीक एंड टैलोन। अब नेक्स्ट पिक्चर हम लोग आते हैं नंबर 8। एक देखो ये किसके पिक्चर दिख रहा है आप लोग को, ये किसके पिक्चर है? वालरस। ये क्या है? इसका नाम है वालरस। ये अजीबो गरीब एक एनिमल है जो कि ओशन में रहते हैं। तो ये अपने आप को कैसे बचाव करेगा? इसके मोटा सा तो इसके बॉडी है, देख रहे हो, ये अपने आप को हिलाने में ही घंटा भर लगाते हैं। तो ये अपने आप को कैसे प्रोटेक्शन देते हैं? अपने जो मोटा टास्क है इसके सामने, उस टास्क से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। उस टास्क को वो एनिमल को डराते हैं, वो एनिमल डर के भाग जाते हैं। तो वालरस के प्रोटेक्शन गियर कौन सा है? टास्क। ओके, नेक्स्ट में आए नंबर 9। नंबर 9 में देखो एक पिक्चर है टाइगर लेपर्ड, लेपर्ड के पिक्चर है। तो टाइगर और लेपर्ड भी अपने आप को प्रोटेक्शन तो देते होंगे ना भाई, वो भी अपने आप को बचाव करेंगे। तो वो अपने आप को कैसे बचाव करेंगे? पॉज से, अपने जो पॉज है पॉज से वो अपने आप को बचाव करते हैं। तो टाइगर और लेपर्ड के प्रोटेक्शन गियर क्या है? पॉज। टाइगर और लेपर्ड के प्रोटेक्शन गियर कौन सा है? पॉज। अब सबसे लास्ट नंबर 10, स्नेक। स्नेक भी अपने आप को प्रोटेक्शन करेगा भाई, स्नेक को भी बहुत दुश्मन है, एनिमी है। तो स्नेक अपने आप को कैसे प्रोटेक्शन देते हैं? अपने फैंग्स। कैसे प्रोटेक्शन देते हैं? फैंग्स, FANGS, फैंग्स। जो स्नेक की ये जो फन है इसको बोलते हैं फैंग्स। तो फैंग्स से वो आप सब एनिमल को डराते हैं। तो ये हो गए प्रोटेक्टिव गियर, ये सारे एनिमल के प्रोटेक्टिव गियर। तो होते हैं ये पॉर्कुपाइन के प्रोटेक्टिव गियर क्विल्स, स्नेल के प्रोटेक्टिव गियर शेल, ऑक्टोपस के प्रोटेक्टिव गियर स्क्विटिंग इंक, रैट के प्रोटेक्टिव गियर टीथ, लामास के प्रोटेक्टिव गियर स्पिट, स्कॉर्पियन के प्रोटेक्टिव गियर पॉइजनस स्टिंग, वल्चर ईगल के प्रोटेक्टिव गियर बीक एंड टैलोंस, वल्चर वालरस के प्रोटेक्टिव गियर टास्क, और टाइगर और लेपर्ड के प्रोटेक्टिव गियर कौन सा है? पॉज। स्नेक के प्रोटेक्टिव गियर कौन सा है? फैंग्स। अब ये हो गया 10 एनिमल्स जो कि जिसके पास अपने अपने नेचुरल प्रोटेक्टिव गियर है। और अब आ जाओ डू यू नो, ये सब लोग पढ़ेंगे, सब पेजों में डू यू नो आप लोग पढ़ेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। द इलेक्ट्रिक ईल के बारे में यहाँ बताया गया है। इलेक्ट्रिक ईल भी एक ओशन समुद्र में रहने वाले एक प्रजाति है जो कि मछली की तरह देखने में है। ये एक स्नेक है और ये अपने आप को पावरफुल करने के लिए बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी शॉक पैदा करते हैं जो कि एक इंसान भी घायल हो जाए, एक इंसान को भी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए। तो उसको बोलते हैं, वो अपने प्रे और एनिमीज को कैसे प्रोटेक्शन करते हैं? इलेक्ट्रिक ईल, इलेक्ट्रिक शॉक से। वो अपने अंदर प्रोड्यूस कर लेता है पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक। तो वो अपने प्रे को और एनिमीज को जो है मात दे देता है उस इलेक्ट्रिक शॉक से। ओके बच्चों, सब लोग लर्न करेंगे, इस पेज को अच्छे से डिस्कस करेंगे, लर्न करेंगे और उसके बाद हम आपसे पूछेंगे। ओके।